हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ राकेश चौहान, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 7, सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट चल रही है जिसका पार्ट 7। पिछली क्लास में हमने दोष के बारे में पढ़ा। दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष। जिसमें हमने बिंदु दोष में रस समीकरण विधि दोष पढ़ लिया था, यानी उनके चार प्रकार पढ़ लिए थे, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अरस समीकरण विधि दोष। रस समीकरण वित्तीय दोष से पहले हमें पता होना चाहिए रस समीकरण वित्तीय दोष क्या होता है, यानी ऐसा दोष जिसमें दोष से पहले तथा दोष के बाद उसकी ज्यामिति बनी रहती है, यानी उनका अभिविकरणों का अनुपात निश्चित रहता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया था, जैसे यहाँ पर आपके पास सोडियम के 5 आयंस है और क्लोरीन या सीएल आयन के 5 है, इनका अनुपात कितना है, 5:5, यानी 1:1। ये दोष से पहले है और दोष उत्पन्न होने के कारण, या मान लो सोडियम का एक आयन कम हो गया और क्लोरीन का भी क्या हो गया, एक आयन कम हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, 4 Na+ और 4 Cl-, 4:4, यानी 1:1। यानी इनकी रस समीकरण वृत्ति बनी रहती है दोष से पहले और दोष के बाद, तो वह कहलाती है रस समीकरण वृत्ति है। यानी रस समीकरण वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें तो कहते हैं रस समीकरण वृत्ति दोष, लेकिन हमें पढ़ना है अरस समीकरण वृत्ति दोष, यानी जिनकी ज्यामिति में क्या हो जाएगा, यानी रस समीकरण विधि में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी जिन दोषों के कारण क्रिस्टल की रस समीकरण विधि में क्या हो, परिवर्तन हो, उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण विधि दोष कहते हैं। यानी दोष से पहले और दोष के बाद का अनुपात क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बात करूं मैं रस समीकरण विधि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर आप पूरा चार्ट के माध्यम से समझना चाहो तो पिछली क्लास में जाके देखिए, दोष का पूरा चार्ट बना हुआ है, कौन कितने प्रकार का है। तो अरस समीकरण वृत्ति कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें से पहला है धातु आदि के दोष और हम पढ़ेंगे इस क्लास में दूसरा धातु न्यूनता दोष। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं धातु आदि के दोष, ये किन के कारण होता है, यानी किसके कारण धातु आदि के दोष होता है। तो दो कारण है, एक है ऋणायन की कमी और एक है धनायन की वर्दी। तो ये ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा धातु आदि की, और आप सब जानते हो मेटल क्या होती है, जो धनायन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करती है। यानी धातु वे होती है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसका निर्माण करती है, धनायन का, यानी धातु आदि की, जिसमें धनायन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब धनायन अधिक होगा तो धातु गुण क्या, अधिक। जब एक गुण अधिक है, धनायन अधिक है, तो ऋणायन क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए। यानी ये दोष किसके कारण होता है, दो प्रकार है, एक है ऋणायन की कमी, कमी को हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूनता, और एक है धनायन की वृद्धि। जब धनायन अधिक होगा तो ऋणायन क्या होना चाहिए, न्यून होना चाहिए, तभी कौन सा दोष होगा, धातु आधिक्य दोष, यानी धनायन की वृद्धि, यानी आधिक्य। अब इन दोषों में से हम पहला प्रकार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एक नंबर का क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है और इनका विवरण भी हो सकता है। तो ऋणायन की कमी या न्यूनता दोष, इनको पढ़ने से पहले इनकी थ्योरी पढ़ ले पहले हम। ऋणायन न्यूनता क्या होता है, तो एक मैं NaCl सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टलीय संरचना ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, क्रिस्टलीय संरचना, ये कोई सोडियम की क्रिस्टलीय संरचना है, और आपको पता है सोडियम की क्रिस्टलीय संरचना में कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम तथा क्लोरीन के आयन, किनके किनके, सोडियम और क्लोरीन के आयन, और इनकी एक निश्चित ज्यामिति है। अगर सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल ज्यामिति के ऊपर सोडियम की वाष्प, किसकी वाष्प, सोडियम की वाष्प को प्रवाहित करके क्या किया जाए, गर्म किया जाए, सोडियम क्लोराइड की निश्चित ज्यामिति के ऊपर सोडियम की वाष्प, यही लैंग्वेज में लिखना है, सोडियम क्लोराइड की एक निश्चित ज्यामिति के ऊपर सोडियम की वाष्प प्रवाहित करके गर्म किया जाए, तो ये सोडियम के आयंस, यानी सोडियम इनकी सतह पर, सोडियम इनकी सतह पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, सोडियम इनकी सतह पर जम जाते हैं, और यहां ये, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, यहां ये Na क्या बना देता है, Na+, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करके प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। तो यहां ये Na+ आयन सोडियम धनायन है, तो इसे क्रिस्टलीय संरचना में किसी एक ऋणायन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि हम जानते हैं साइंस में विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण। और यहाँ सोडियम है एक धातु, थोड़ा ध्यान देना, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, जब एक धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अ
धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तब एक बॉन्ड का निर्माण होता है आयनिक बंध। कौन से बंध का निर्माण होता है? आयनिक बंध। आयनिक बंध किसे कहते हैं? यानी जब एक धातु तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और आधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इन दोनों के बीच एक बंध का निर्माण होता है उसे बोलते हैं आयनिक बंध। तो इनकी सतह पर सोडियम के आयन जम जाते हैं और सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर ई माइनस, अब ये धनायन इस संरचना में से किसी एक क्लोरीन के पास जाएगा। आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, किसी एक क्लोरीन के पास जाएगा और इनके बीच कौन से बंध का निर्माण होगा? आयनिक बंध का निर्माण। कौन से बंध का निर्माण? आयनिक बंध का निर्माण, जिस कारण इसकी सतह पर क्या बन जाएगा? NaCl। और ये साधारण नमक है जो सफेद होता है नॉर्मल, आपको पता है। तो NaCl कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, नॉर्मल से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, और इनके बीच कौन सा बंध, ये भी पूछा गया है। तो हमें बंध का पता करना हो तो एक धातु और एक अधातु के बीच जो भी बॉन्ड बनेगा उन्हें हम कहेंगे आयनिक बंध। तो इस प्रकार सोडियम प्लस आयन क्लोरीन के ऊपर अटैक करके इन दोनों के बीच क्या बना लेता है? आयनिक बंध। इस कारण ये यहां से इसको कहां ले जाएगा? इस संरचना से बाहर ले जाएगा। तो एक नई संरचना में आपको समझा रहा हूं, यानी इस संरचना के अनुसार इसको ले जा रहा है Cl-, यानी क्लोरीन और सोडियम के बीच एक आयनिक बॉन्ड का निर्माण हो गया जिससे क्या बन गया? साधारण नमक। और एक नई संरचना कैसी दिखेगी आपको? यहां से किसकी कमी हो रही है इस संरचना में? किसकी कमी हो रही है? ऋणायन की कमी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋणायन न्यूनता। ऋणायन न्यूनता कब होगी? जब उसमें से क्लोरीन आयन या ऋणायन कम होगा तो ऑटोमेटिक कौन सा आयन ज्यादा हो जाएंगे? जब ऋणायन न्यून होंगे, जब ऋणायन न्यून होंगे तो किसकी वृद्धि होगी? धनायन की। या ध्यान देना, एक दो तीन चार पांच छह, छह किसके आयन है? सोडियम के। और क्लोरीन के कितने? एक दो तीन चार पांच, यहां एक था लेकिन छह, लेकिन एक कम हो गया तो किसकी कमी हो रही है? ऋणायन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इस प्रकार यहां सीएल के स्थान पे क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान हो जाएगा और सोडियम के साथ जो नेगेटिव आयन था इलेक्ट्रॉन चार्ज वो यहां पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पर। यानी इस क्लोरीन के जगह पे कौन सा आयन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस कारण पहले तो क्या था, ये पहले क्या था? सफेद था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? हल्का पीला। क्या हो जाएगा? हल्का पीला। इसका एक ही रीजन है, इस ई को यहां, इसको बोलते हैं एफ के अंदर। क्या बोलते हैं? एफ के अंदर, जहां एफ का मतलब है फरबेन जेंटर, जिसका अर्थ होता है रंग। एक जर्मनी शब्द, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग। यहां पे ये सफेद था सोडियम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल, लेकिन यहां क्या हो गया? हल्का पीला। एक ही रीजन है, क्योंकि आप सब जानते हो, टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो, फ्री इलेक्ट्रॉन के दो गुण होते हैं। एक तो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह, और दूसरा होता है रंग। आपको पूछ ले धात्विक सतह चमकदार होती है तो सीधा आंसर हो जाए फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन है तो या तो उसमें विद्युत धारा है या किसका कार्य करेगा? रंग का कार्य। अगर यह जहां पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो दो चीजें याद रखनी आपको, वो विद्युत धारा का प्रभाव बताता है या किसी क्रिस्टल में क्या बताता है? रंग को बताता है, यानी किसी ठोस में किसको बताता है? रंग को बताता है। तो इस प्रकार यहां सफेद NaCl का रंग क्या हो जाएगा? हल्का पीला। किसके कारण? कारण पूछता है तो सीधा आंसर देना एफ केंद्र के कारण। किसके कारण? एफ केंद्र के कारण। तो अब इसकी हमने ये थ्योरी के माध्यम से समझ लिया, अब हम इसकी लिखेंगे लैंग्वेज, यानी ऋणायन न्यूनता की लैंग्वेज। तो अब हम पढ़ेंगे ऋणायन न्यूनता। थ्योरी हमने समझ ली थी एक संरचना के माध्यम से, NaCl की संरचना के माध्यम से। अब उसी को देखते हुए लैंग्वेज लिखनी है, यानी रटनी नहीं है, केवल इसको समझना है फिर ये लैंग्वेज लिखनी है। तो हमारे पास क्या एक NaCl की क्रिस्टल संरचना है, यानी जब सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल, ये रहे हमारे पास सोडियम क्लोराइड और इसका क्रिस्टल संरचना है, को सोडियम वाष्प, यानी यहां पे सोडियम वाष्प, सोडियम की वाष्प, चलो आगे, सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसे सोडियम की वाष्प के वातावरण के साथ इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो सोडियम Na परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। जो ये सोडियम के परमाणु है इनकी सतह पर क्या होते हैं? जम जाते हैं। इस प्रकार Na वाष्प का
Na इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, यहाँ जो Na वाष्प का होता है, सोडियम का वाष्प होता है, वो Na से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर E माइनस। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस बनाता है, यानी सोडियम धनायन बनाता है, क्रिस्टल के Cl, ये है पूरा क्रिस्टल और इसका Cl, मैं यहां से ले रहा हूं क्रिस्टल के Cl इस Na के साथ मिलकर NaCl बनाते हैं। जो ये वाष्प का सोडियम है इस क्रिस्टल में एक Cl के साथ जुड़कर क्या बनाता है, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। और हमें पता है धातु मेटल और नॉन मेटल के बीच जो भी बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध। Na प्लस वाष्प के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब ये Na से Na प्लस बना तो इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त होगा। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल की संरचना में से निकलने वाले Cl आयन के स्थान पे चला जाता है, यानी Na वाष्प के द्वारा इलेक्ट्रॉन Cl के स्थान पर चले जाते हैं। यानी यहां से Cl क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, दूसरी संरचना के माध्यम से समझना, यहां से क्या निकल रहा है, Cl बाहर निकल रहा है। अब Cl बाहर निकलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन माइनस आयन कहां पे चला जाएगा, Cl के स्थान पे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, क्लोरीन माइनस आयन के स्थान पे चला जाता है। इस प्रकार Na प्लस आयन अधिक हो जाते हैं, यानी इस संरचना में ध्यान देना, सोडियम के 2, 3, 4, 5, 6 है आयन और क्लोरीन के कितने हैं, 3 और 3, 6। लेकिन ये सब होने के बाद एक क्लोरीन आयन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी बाहर निकलकर Na के साथ क्या बना देता है, साधारण नमक बना देता है। इस कारण यहाँ पे किसकी कमी हो रही है, ऋण की क्या हो रही है, कमी। और हम पढ़ क्या रहे हैं, ऋणायन न्यूनता, रटना नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना है। तो इस प्रकार Na प्लस आयन अधिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा बनी रिक्ति को क्या कहते हैं, एफ केंद्र। ये एक परिभाषा याद रखना, एफ केंद्र क्या है, छोटी सी क्लोरीन द्वारा रिक्त स्थान, क्लोरीन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का आना, उसे क्या कहते हैं, रिक्ति को क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। और इसी के कारण, यानी एफ केंद्र के कारण जो भी एक प्राप्त होगा वो क्या होगा, हल्का पीला होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के एक तो है विद्युत धारा याद रखना, नॉर्मल सा विद्युत धारा, और दूसरा याद रखना है रंग। धातु चमकदार होती है, उनकी सतह चमकदार होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, और धातु विद्युत की चालन होती है वो भी किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस प्रकार हमने ऋणायन न्यूनता पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, धनायन की वृद्धि, यानी जब धनायन की वृद्धि होगी तो ऋणायन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार का दोष, यानी जब कमरे के ताप पर ZnO जिंक ऑक्साइड, या इसे बोलते हैं जिंक ब्लेड भी बोलते हैं इसे, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड का रंग क्या होता है, सफेद होता है नॉर्मल सा, तथा गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन का निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, या सॉरी ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तथा ये किस रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो Zn प्लस 2 1/2 O2 + 2 माइनस इलेक्ट्रॉन। जब क्रिस्टल में Zn प्लस का अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अब क्रिस्टल में Zn प्लस 2 का क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्यों, कमरे के ताप पर जब ZnO को गर्म किया तो ऑक्सीजन कहां निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन कहां निकल रही है, सॉरी बाहर निकल रही है। जब नेगेटिव आयन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो पॉजिटिव आयन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी धनात्मक आयन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अब क्रिस्टल में Zn प्लस 2 आयन का अधिक हो जाता है, Zn प्लस 2 तथा इलेक्ट्रॉन दोनों कहां चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं। एक जिंक ऑक्साइड की संरचना के माध्यम से देखना, यहां Zn प्लस 2 O माइनस 2 आयन है, तो इनमें क्या होता है, जब इनको गर्म किया जाता है तो O2 आयन कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और Zn प्लस 2 और ये इलेक्ट्रॉन ये कहां चले आते हैं, अंतराकाशीय स्थानों में चले आते हैं। तो जब कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो कौन से रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। इसमें भी वही रीजन रहेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब हम पढ़ते हैं आखिरी प्रकार, धनायन न्यूनता दोष। नाम से पता चला धनायन न्यूनता, यानी धनायन की क्या होगी, कमी या धनायन का अभाव होगा, और ऋणायन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये किन कारणों से होता है, इनके दो कारण है,
पहला कारण है धनायन का अभाव और दूसरा है ऋणायन का अधिक्य, यानी ऋणायन की वृद्धि और धनायन की कमी। तो हम पहला पढ़ेंगे धनायन का अभाव। धनायन का अभाव, धनायन का अभाव कब होगा? जब धनायन की कमी होगी और ऋणायन की क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी किसी क्रिस्टल संरचना में धनायन, यानी किसी क्रिस्टल संरचना में धनायन या आयन, धनायन या धातु की संख्या ऋणायन की तुलना में क्या हो? धनायन का अभाव में ऋणायन की तुलना में क्या हो? कम। यानी इस प्रकार के दोष में धनायन या धातु आयन की संख्या ऋणायन की तुलना में क्या हो? कम हो। यानी ऋणायन की तुलना में क्या होती है? कमी होती है। कौन से में? धनायन का अभाव में। जिससे उन स्थानों में जहां पर कम होते हैं उन स्थानों में रिक्तिका बन जाती है, यानी एक रिक्त स्थान हो जाता है। आपने पढ़ा होगा रिक्तिका, रिक्तिका दोष जस्ट पीछे पड़ा होगा, रिक्तिका बन जाती है। परंतु क्रिस्टल की उदासीनता, उदासीनता क्या होती है? विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यानी धनायन तथा ऋणायन की संख्या बराबर रखने के लिए अन्य आयन पर अतिरिक्त आवेश आ जाता है। यानी धनायन की संख्या अधिक, धनायन की संख्या कम होती है किससे? ऋणायन से। यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास ये कोई ए प्लस तथा बी माइनस, ये भी कोई क्रिस्टल है। ए बी क्या है? कोई क्रिस्टल है। इसमें ध्यान देना, ए धनायन है और बी क्या है? ऋणायन है। जब यहां ए की संख्या कम, यानी धनायन की क्या होगी? कमी होगी। मैं मान लेता हूं धनायन की कमी कहां हो रही है? यहां पर हो रही है। तो धनायन की कमी होगी, तो अब धनायन, एक धनायन कम हुआ, कितना धनायन कम हुआ? एक धनायन। अब इसको संतुलित करने के लिए यहां पे एक धनायन कम पड़ रहा है, यहां से कम हुआ, तो ये जो आयन होगा अतिरिक्त आयन किसी दूसरे पे आ जाएगा, यानी ए प्लस टू आ जाएगा। इस कारण यहां से प्लस एक बार गया, लेकिन इसमें एक एड हो गया। इस प्रकार यहां ये क्या है? विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। यानी धनायन का अभाव इस प्रकार के दोष में धनायन की संख्या या धातु की संख्या उसके ऋणायनों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। इस प्रकार विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त आवेश किसी अन्य आयन पर या किसी अन्य धातु पर आ जाता है। अब मैं बात करूं ऋणायन अधिक्य दोष। तो ऋणायन अधिक्य यानी ऋणायन की क्या हो जाएगी? अधिकता। तो देखो इस दोष में, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी, और अंतराकाशी क्या स्थान होता है? जैसे कोई आपके पास ए भी कोई क्रिस्टल है, तो इसमें ये है, ये स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशी स्थान। तो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी में कुछ अतिरिक्त आयन ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेते हैं तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास के अन्य आयन धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाते हैं। यानी एक बार फिर से पढ़ना, इस प्रकार के दोष क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थानों में कुछ अतिरिक्त ऋणायन स्थान, यानी ये कोई क्रिस्टल है, इनका ये अंतराकाशीय स्थान, यहां पे कोई ऋणायन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। तथा क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उनके पास अन्य धातु, इनके पास कोई अन्य धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है। इस कारण उनकी विद्युत उदासीनता क्या रहती है? बनी रहती है। यानी ये कौन सा कहलाता है? ऋणायन अधिक्य दोष। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने चार प्रकार के क्या पढ़ लिए? दोष पढ़ लिए, और एक प्रकार का और दोष सदा हुआ अभी पढ़ते हैं। रेड कर लेना तीसरा दोष हमने, एक तो पढ़ा बिंदु दोष और एक पढ़ा रेखीय दोष, और तीसरा ये लगा लेना अशुद्ध, अशुद्धता दोष। इस प्रकार का दोष कैसे उत्पन्न होता है? जैसे ध्यान देना, जैसे कोई सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना है, अगर उनके ऊपर SrCl2 में या स्ट्रोंशियम प्लस टू है, यानी Sr प्लस टू के आयन और Cl का कितना है? एक आयन के साथ जुड़ा रहता है। और NaCl में देखा जाए तो एक Na प्लस, यानी एक आयन धनायन और एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन SrCl2 में Sr के दो आयन Cl के एक आयन से जुड़े रहते हैं। जब SrCl2 यानी स्ट्रोंशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के गलित, सोडियम क्लोराइड के SrCl2 युक्त गलित NaCl को, यानी इसमें SrCl2 अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए। किस रूप में मिलाया जाए बच्चों? अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। तो ये Sr+2 आयन दो सोडियम के आयनों को
क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है। क्योंकि दो को क्यों घटा है, क्योंकि यहाँ कितना आयन है, SR प्लस 2 आयन है, ये दो आयनों को क्या कर देता है, प्रतिस्थापन कर देता है, क्योंकि विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। यहाँ SR प्लस 2 आयन है जो सोडियम के दो आयनों को प्रतिस्थापन करेगा, यानी यहां से मैं इसकी एक नई संरचना बनाऊं तो कैसी बनेगी, ध्यान देना। जब भी SR प्लस 2 आयन अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो सोडियम के दो आयन गायब होंगे, यानी यहां से एक Na प्लस चला जाएगा, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, यहां से एक Na प्लस और चला जाएगा, Cl माइनस Na प्लस, और यहां वापस हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो यहां SR प्लस 2 एक स्थान पर तो SR प्लस 2 आ जाएगा और एक जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा, यानी इस कारण कौन सा दोष उत्पन्न होगा, अशुद्धता दोष, यानी किसी अशुद्धि को मिलाने के कारण क्या उत्पन्न होता है, दोष, तो क्या कहलाता है, अशुद्धता दोष। अब इसकी लैंग्वेज देखते हैं, यदि अल्प मात्रा में SRCl2 यह हमारे पास स्ट्रोंसियम क्लोराइड यानी अल्प मात्रा युक्त गलित सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो सोडियम के कुछ स्थान पर क्या आ जाता है, SR प्लस 2 आयन द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक SR प्लस 2 दो सोडियम आयन, यहां ध्यान देना, प्रत्येक SR प्लस 2 दो सोडियम आयन को, क्योंकि क्रिस्टल में क्या बनाए रखनी है, विद्युत उदासीनता, यहां SR प्लस 2 है तो ये कितने को दूर करेगा, दो को प्रतिस्थापन करेगा, लेकिन ये जाएगा एक ही स्थान पर और एक जगह क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान हो जाएगा। तो दो सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है, यहां एक एक का स्थान कौन ग्रहण करता है, SR प्लस 2 करता है, जबकि दूसरा क्या रहता है, रिक्त रहता है, इसे क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष। लास्ट रह गया था एक तीसरा प्रकार, बिंदु दोष, रेखीय दोष, और तीसरा अशुद्धता दोष। धन्यवाद।